कन्हैया लाल की जय, गोकुल धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, भारत माता की जय, प्रयाग धाम की जय। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। मैं तो चाहता था पहले हम समझ ले अपनी जिम्मेदारियों को, फिर प्रवेश करें। इसलिए हमने जो गोपियों का भाव है, जो तैयारियां है, वो करवाने की अब तक कोशिश की। आइए अब के बाद हम उस वाणी को स्पर्श करते हैं, उस भाव को स्पर्श करते हैं जो गोपियों का भाव है। और कैसे वर्णन करती है भगवान का, उसको स्पर्श करते हैं। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा पिया कह रही है कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आपके प्राकट्य से व्रज की अधिक व्रज अधिक सुंदर बन गया है। लक्ष्मी ने भी यहां नित्य निवास किया हुआ है और जो गोपीजन आपके अपने हैं तथा आपके लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं, वे आपको सर्व दिशाओं में खोज रहे हैं। हे दयालु, आप दर्शन दीजिए। गोपिया, ये 19 जूत है अलग अलग, 19 श्लोक मतलब 19 जूत गोपियों के अलग अलग। तो पहला जो जूत है गोपियों का, वो वर्णन कर रहे हैं कि जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, कि हे कृष्ण, जब आपका प्राकट्य हुआ है इस गोकुल में, तब से गोकुल की महिमा बढ़ी है। वैसे भी हम अगर देखें तो हमारे सबके शरीर की महिमा तब तक है जब तक इस गोकुल रूपी शरीर में वो कृष्ण है। महिमा तब तक तो है,
जब तक कृष्ण है, और जैसे कृष्ण चैतन्य स्वरूप से है तो हम शरीर का आनंद ले पा रहे हैं, हमारे लिए तो फिर शरीर ही वैकुंठ है। तो उसी तरह गोपियां कह रही है कि जैसे ये जो आत्मा है परमात्मा, जो चैतन्य शक्ति जहां जब तक है तब तक आनंद है, और जहां वो चैतन्य शक्ति प्रकट हो जाती है वहां आनंद की अनुभूति हो जाती है। आप मुझे बताइए ये शरीर महत्वपूर्ण है या आत्मा? शरीर महत्वपूर्ण है या आत्मा महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा। आपने ही कहा कि आत्मा महत्वपूर्ण है, तो अभी आप ही बताइए। जवाब आपने दिया कि शरीर नहीं आत्मा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप जिन्होंने जवाब दिया आत्मा महत्वपूर्ण है, आप बताइए अगर आत्मा महत्वपूर्ण है शरीर नहीं, लेकिन आप किसे महत्व देते हो? किसे महत्व देते हो? 7 बजने में जैसे ही 30 मिनट का समय बाकी हो तो 5-5 मिनट पे घड़ियाल में नजर जाएगी कितना बाकी है कितना बाकी है, क्योंकि जब जैसे 7 बजे भोजन पाना है, भूख लगी, हमें पता है कि महत्वपूर्ण आत्मा ही शरीर में है, फिर भी क्योंकि ये आत्मा है तो शरीर है, नहीं तो जैसे आत्मा शरीर को छोड़ देती है, इस शरीर को तो अंतिम संस्कार किया जाता है, शरीर का फिर कोई महत्व नहीं है, आप शरीर को नहीं रखा करते घर में, कितना प्रिय हो शरीर, लेकिन आत्मा महत्वपूर्ण है न कि शरीर। इसलिए गोपियां कह रही है इस आत्मा को भूलना मत, इस आत्मा के महत्व को भूलना मत, शरीर से प्रेम न करो ऐसा नहीं, लेकिन शरीर जिस कारण से है उस कारण को ना भूले, उस मूल को ना भूले। जैसे एक दिन है ना एक गांव में ऐसी रथ यात्रा चल रही थी, रथ यात्रा चलते चलते रथ का एक पहिया जो था वो फंस गया रास्ते में, अब निकल ही नहीं रहा था, रथ पे भगवान की मूर्त विराजमान थी, अब यात्रा कैसे चलेगी, तो दूसरा कोई साधन ढूंढने की कोशिश की। मैं जब दृष्टांत कहता हूं ना इसे आप याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी, फिर मुझे जो कहना होता है वो जल्दी आप समझ जाते हो। तो रथ का पहिया फंस गया, अब रथ यात्रा तो चलनी चाहिए, दूसरा कोई साधन माध्यम मिला नहीं, क्या करे। फिर एक बैल दिखाई दिया, बोले ऐसे करते हैं इस बैल को स्नान कराते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं ऊपर से बैल को, और इसी के पीठ पर अब भगवान की मूरत रखते हैं, नंदी है। तो एक बैल को पकड़ा, उस बैल को स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया, गुलाब जल से स्नान कराया, गंगा जल से भी स्नान कराया, ऊपर से कपड़े महंगे महंगे जो भी अच्छे मखमल वाले वस्त्र थे वो पहनाए, और फिर पूरा श्रृंगार किया उस बैल का, अब पीठ के ऊपर एक आसन रखा, आसन के ऊपर भगवान की मूरत रख दी और यात्रा शुरू हो गई। नगर यात्रा, नगर प्रदक्षिणा के लिए निकल पड़ी थी, यात्रा शुरू हो गई। अब यात्रा शुरू हो गई, अब सब घर वाले जैसे कल मेरे साथ जो चले थे नगर यात्रा में शाही प्रवेश में, तो आपने देखा होगा कि जब इस प्रयागराज शहर में रथ पर जब हम विराजमान थे तो एक टीवी चैनल वाले भी आए, तो उन्होंने पूछा कैसे लग रहा है प्रयागराज में आपको, लोग कैसे भाव कैसे आपको लोगों का लग रहा है।
हमने उनको जवाब दिया टीवी चैनल वालों को, मैंने कहा आज तो इस प्रयागराज में ये तो आज तो वैकुंठ लग रहा है, आनंद लग रहा है, वही भाव प्रेम आदर सम्मान। और संतों को ही नहीं, रथ पर बैठे जो मेरे साथ आए थे उनको भी कहीं कोई चाय पिलाए, कोई कॉफी पिलाए, कोई दूध पिलाए, कोई आग्रह करे, और ट्रैक्टर के सामने वो जो प्रसाद बांटते थे ना, वो ट्रैक्टर के सामने खड़े हो जाते थे ऐसे कि रोको और प्रसाद ग्रहण करो, सब भक्तों को प्रसाद ग्रहण करने दो। सबने आपने देखा कल की शाही प्रवेश में जबरदस्ती सबको, किसी ने प्रसाद बनवाया, सिरे का प्रसाद बनवाया, हलवा बनवाया, कितनी सेवाएं लोग कर रहे थे। इस मंच से मैं नगरवासियों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, पूरे प्रयागराज में बसे हुए, शहर में बसे हुए पूरे नगरवासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जो भाव हमने कल देखा, 6 साल पहले भी हमने अनुभव किया था प्रयागराज में, तो आपको बहुत धन्यवाद पूरे प्रयागराज शहरवासियों को, जो संतों के प्रति और हरि भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति आपके हृदय में हमने भाव देखा है। बहुत बढ़िया स्वागत, कैसे कैसे अलग अलग मशीनरियां ले आए थे, वो पानी वाली मोटर जहां से पानी लेती है और छोड़ती है, वहां से फूल छोड़ते थे और डालते थे फूल, और फूल संतों के ऊपर पुष्प वृष्टि करते थे। कितना अजीब दृश्य था, क्योंकि ये संतों के कारण और भक्तों के भाव के कारण अब यह भूमि वैकुंठ बन चुकी है। सारे विश्व के परमात्मा अब यहाँ ही विराजमान है, इस भूमि में अवतरित है, तो बहुत आनंद था। तो वैसे ही नगर यात्रा निकली है, आइए वापस अपनी बात पर। बैल को सजाया, भगवान की मूर्त रखी और यात्रा निकली, भगवान का पूजन आरती करने सब आते थे। अब भगवान की मूर्त थोड़ी छोटी थी, अब फूल चढ़ा चढ़ा के कितने, जैसे कल मेरी मूर्त छोटी थी और फूल बहुत आ रहे थे, जैसे माला पड़े हम निकाल देते। मैं बोला माला माला में तो हम दिखाई नहीं देंगे, बैठा कौन है, पहले ही साइज छोटी हमारी, फूल माला बड़ी बड़ी आती थी, तो जैसे आए तो मैं निकाल रहा था। मूर्त छोटी थी और बहुत फूल मालाएं आने लगी, प्रसाद भी आने लगा। अब जो सेवक थे उन्होंने कहा अब भगवान को माला ना पहना है, ये जो वहन है बैल इसी को पहना दो। तो सब बैल को माला पहनाने लगे, बैल को प्रसाद खिलाने लगे, बैल की आरती होने लगी, बैल की पूजा होने लगी। बैल को तो मजा आ गई, बैल को तो आनंद आ गया, वाह मैं अपने आप को कितना छोटा समझता था, आज पता चला अपन भी कुछ है, मेरी भी तो आरती गली गली में आरती हो रही है, पूजा हो रही है, फूल मालाएं तो देखो कितनी आ रही है, लोग कितने खुश है, लोगों के मन में मेरे प्रति कितना सद्भाव है, प्रेम है, आदर है, आज मुझे पता चला। फूलता गया फूलता गया सम्मान से। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा मेरा इतना सम्मान मान सम्मान, इतनी फूलमाला आरती हो रही है, पीठ के ऊपर ये बोझ क्या रख दिया इन लोगों ने, अपनी पीठ थोड़ी ऐसी हिलाई, जैसे पीठ हिलाई भगवान की मूरत नीचे गिर गई, जैसे नीचे गिरी मूरत भगवान का अपमान हुआ, ऐसे पीटा है बैल को। जो आरती की थाली लेकर आए थे, जो फूल माला पहना रहे थे, जो बाजू बाजू में सेवक थे, सब ने हाथ अपने ये कर लिए, सफा कर लिए, पीट पीट के बैल को, जहां जगह मिले वहां पीटते, लकड़ी लेकर। अब उस बैल को पता चला कि अरे मेरी महिमा, मेरी आरती पूजा फूलमाला, ये सम्मान मुझे जो मिल रहा था वो तो इस भगवान के कारण था, और मैं समझ बैठा मेरे कारण है। जब भगवान पीठ पर धारण किए थे तो फूलमाला आ रही थी, नैवेद्य सम्मान हो रहा था, अच्छा सम्मान सब कुछ, और जैसे ही भगवान को भूल गया वैसे मार पड़ी। शायद आप मेरी बात को समझ गए। ऐसे ही
हमारा अपना अगर सम्मान हो रहा है तो अंदर बैठे उस कृष्ण के कारण, उस राम के कारण, उस निष्कलंक नारायण के कारण हमारा सम्मान हो रहा है। सम्मान तो उसका है, हम तो निमित्त मात्र है। और हम समझ बैठे मेरा कल अगर हम शाही सवारी में आसन पर महामंडलेश्वर बन के बैठे होंगे तो वो सम्मान मेरा अपना नहीं था। और मुझे लग रहा था मेरे गले में माला आ रही है, वो सम्मान तो उस अखाड़े का था, सम्मान तो उस संत की महिमा का था, सम्मान तो वो संप्रदाय का था जिस संप्रदाय से मैं जुड़ा हुआ हूं। अगर मैं उस सत्पन संप्रदाय में न होता, न सत्पन संप्रदाय के संत को निर्मल अखाड़े के द्वारा महामंडलेश्वर बनाया जाता तो काहे का सम्मान। तो मुझे याद रखना चाहिए मैं सतपंथ का संत हूं, इसलिए सम्मान। मुझे निर्मल अखाड़े ने महामंडलेश्वर के लायक समझा, इसीलिए सम्मान। मैं सतपंथ और निर्मल अखाड़ा भूल जाओ, जिनके आशीर्वाद से ये पद मिला, ये वैभव मिला, उस आशीर्वाद को भूल जाओ तो मेरी भी पोजीशन वो बन जाएगी जो बहेल की बनी है। क्योंकि मैं तो अपनी बात रख सकता हूं आपके सामने, आप तो आपकी तो आप जाने। मेरे बारे में हो सकता है तो आपके बारे में भी हो सकता है। इसलिए गोपियां कहती है कि गोकुल की महिमा बड़ी कब, जब भगवान का प्राकट्य हुआ। तो इसलिए इस शरीर का भी महत्व तब तक है जब तक ये अंदर विराजमान है, इसकी महिमा तब तक है। और जब ये कृष्ण छोड़ देते हैं, राम इस ये आत्मा जो है शरीर को छोड़ देती है, तभी शरीर का महत्व भी समाप्त हो जाता है। तो वो आत्मा के बारे में बोल रही है। हम भी उस राम को, उस कृष्ण को, हम भी उस प्रिय हमारे निष्कलंक की नारायण भगवान, या तो हमारे जो भी प्रिय भगवान है, हम उस प्रिय भगवान को याद रखे। जब भूल जाते हो तब मार पड़ती है, वो है तो महिमा बनी हुई रहेगी। इसलिए आज देखो, मैं खुद अगर धर्म से न जुड़ता और बड़ा मैं इंजीनियर या बड़ा डॉक्टर या तो बड़ा कोई पॉलिटिशियन बन जाता, साइंटिस्ट बन जाता, तो कल मेरी शाही सवारी थोड़ी ना निकलती। ये शाही सवारी तो भाई पंत प्रधान की ना निकले, मुख्यमंत्री की ना निकले, किसी मंत्री की। ये शाही सवारी जो सतपंथ की, जो धर्म के लिए समर्पित है, जिनकी संतों में शास्त्रों में श्रद्धा है, जो इस भारत भूमि के संस्कार संस्कृति का पालन करते हैं, धर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया है, उनकी ये सवारी निकलती है। तो इसीलिए ये धर्म के कारण है, ये धर्म के महत्व के कारण है। इसलिए इस देश में साधुओं का सम्मान है, साधुओं का सम्मान किया जाता है, क्योंकि हमारे महात्मा देश को समर्पित हुआ करते हैं। संत भगवान का बहुत बहुत स्वागत करता हुआ अपनी सभा में। अच्छा स्वामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोपियां, पहले गोपियों का जो जूत है वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को विनती कर रहे हैं कि हे भगवान, इस गीत का जो प्रारंभ हुआ पहले श्लोक का, वो जयति शब्द से हुआ है। और जयति इस शब्द से उच्चारण करती है और गोपियां कहती है जयति माने जय जयकार, जय जयकार हो गई हमारी, तो हम तो विजयी हो गए, हमारी जय जयकार हो गई। क्योंकि गोपियां कहती थी हम तो भगवान विजयी भक्त है, हमारी जय जयकार हो, आपके मिलने से हमारी जय जयकार हो गई और आज तक उनकी ही जय जयकार हुई है।
जिन्होंने भगवान को याद किया है या तो भगवान जिनके साथ रहे हैं। देखो 100 कौरव थे, 5 ही पांडव थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त होता है 5 पांडवों को, क्योंकि जब चुनने का समय आया था तो अर्जुन ने भगवान को चुना था और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना था। जय जयकार उन सब की होती है जो भगवान में मानते हैं, जिनकी भगवान में श्रद्धा, उनकी जय जयकार ही होती है। उनकी कभी रिटायरमेंट नहीं होती, उनको कभी माझी महामंडलेश्वर नहीं कहा जाता, माझी जगतगुरु नहीं कहा जाता, उनकी हमेशा जय जयकार होती है जो भगवान से जुड़ते हैं। इसलिए गोपिया कह रही है हमारी तो जय जयकार हो गई, क्यों? आप जो मिले, क्योंकि भगवान के मिलने से ही जय जयकार होती है। आपको अगर जय जयकार करानी है तो बहुत पैसे मिल जाए तो होगी, नहीं बहुत वैभव मिल जाए तो नहीं जय जयकार होती है, भगवान के प्रिय बनने से, भगवान के प्रेम से, भगवान की भक्ति से। आज मीराबाई की जय जयकार होती है, क्यों? भगवान की बनी है। आज जिस किसी संत महात्मा को याद करिए, क्यों जय जयकार हो रही? भगवान की बनी थी इसलिए जय जयकार हो रही है, नहीं तो दूसरा कोई कारण नहीं था। ये गोपियों को भी आज हम याद कर रहे हैं इतने भाव से, प्रेम से, क्यों? ये गोपियां भगवान की बनी है, इसलिए गोपियों का महत्व बड़ा है। और महत्व तो इतना बड़ा है इन गोपियों का कि कृष्ण को कृष्ण कहो तो पसंद नहीं आता, लेकिन राधा कह दो तो कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद भेजते हैं। इसीलिए कृष्ण राधे हम नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? आपने सुना है कभी कृष्ण राधे शब्द? हमेशा आपने सुना है श्याम राधे, कि कृष्ण राधे सुना है कि श्याम राधे सुना है, कि क्या सुना है आपने? श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम, राधा पहले। श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग मिटा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे। श्याम राधे कोई न कहता, श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भग मिटा दे एक राधा का नाम। बस एक बार प्रेम से राधे राधे तो कह दीजिए, जन्म जन्म के भाग मिटा दे एक राधे का नाम। आइए प्रेम से एक बार गा लीजिए, राधे 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 राधे। जन्म जन्म कितनी ताकत है इस राधा नाम, क्यों? श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम, श्याम राधे नहीं कहते, राधे श्याम कहते हैं, क्यों? राधा ने अपने आप को वैसे बनाया, वो उसने भगवान को चुना है अपने जीवन में, इसलिए राधा की जय जयकार हुई। एक दिन तो वहां गोकुल में एक मोर था, मोर जो मोर पीछ वाला मोर होता है, तो हाँ ऐसे आवाज आती है मोर की,
तो गोकुल में मोर था, उसे कृष्ण दर्शन की लालसा थी, मैं कृष्ण का दर्शन करूं। तो कृष्ण दर्शन की लालसा में वो भगवान कृष्ण का जो घर था, नंद बाबा का घर, तो वहाँ दरवाजे के बाहर खड़ा रहा कि अब भगवान कृष्ण के बाहर निकलने का समय है, जैसे ही भगवान बाहर निकले तो मैं भगवान के दर्शन कर लूंगा। तो अब भगवान के दर्शन करने थे तो दरवाजे के बाहर, घर के बाहर भगवान का भजन करने लगा। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण, कृष्ण जय कृष्ण, कृष्ण जय कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण, कृष्ण 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 जय कृष्ण, कृष्ण जय कृष्ण, कृष्ण जय कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय, कृष्ण को याद करने लगा। अब जैसे भगवान तैयार हुए और बाहर निकलने लगे तो देखा कोई आवाज आ रही है, बस कोई परेशानी होगी, पिछले दरवाजे से निकल गए, आए ही नहीं। मोर को तो बहुत देर बाद समझ में आया कि कृष्ण तो पिछले दरवाजे से गायब हो गए, अब कोई फायदा नहीं है। हर रोज भगवान के दर्शन करने आता और भगवान का भजन करता, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण, कृष्ण जय, जैसे भगवान बाहर निकलते, अरे ये वही आवाज है कल वाली, पिछले दरवाजे से निकल जाते। मोर नाराज हुआ, उसको दर्शन नहीं हुए कि मेरे में कौन कमी रह गई, भगवान जो आप दर्शन नहीं दे रहे, मुझसे नाराज हो। मोर वहां से वापस जा रहा था, आंखों में आंसुओं की धाराएं बह रही थी, मेरे प्यारे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। एक गोपी को ये आंसू दिखाई दिए, तो जैसे ही आंखों में आंसू देखे तो गोपी पूछने लगी कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? तो मोर ने कहा, मैं कितने दिन हो गए, मैं प्यारे भगवान के कृष्ण के दर्शन करना चाहता था, मैं हर रोज जाकर भगवान के दरवाजे में खड़ा रहा कि भगवान दर्शन दे, लेकिन भगवान, जैसे मैं दरवाजे के सामने खड़ा रहूं भगवान दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं, इसलिए मैं रो रहा हूं। गोपी ने कहा, ऐसे काम करो, अब पीछे दरवाजे से जाके खड़ा रह जाओ। बोले, मैंने वो भी किया, जिस दरवाजे से बाहर निकलते थे उस दरवाजे के पास जाकर मैं खड़ा रहा, वहां जाकर मैंने कोशिश की कि भगवान यहां से आएंगे, लेकिन क्या करूं, मैं जिस दरवाजे पे खड़ा रहा उसके उल्टे दरवाजे भगवान निकल जाते हैं। तो बोले, एक काम करिए, गोपी ने गुरु मंत्र दिया मोर को और मोर को कहा, आप जब वहां दर्शन करने जाते थे तो कुछ भजन करते थे? बोले, हाँ। बोले, कौन सा? तो इसने कहा, कृष्ण कृष्ण जो ये भजन करता था। अरे, बोले, यही तो भूल है आपकी। बोले, भगवान की मुलाकात करनी है, भगवान के दर्शन चाहिए? तो बोले, हाँ जरूर चाहिए, हमें तो भगवान ही के दर्शन करने हैं। तो बोले, भाई ये कृष्ण कृष्ण जय करने से वो कृष्ण मिलने वाला नहीं है, आप एक काम करिए, आप राधे 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 राधे। आइए दोनों हाथों से ताली के साथ,
Radhe 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 मोर को गुरु मंत्र मिला, दरवाजे में जाकर मोर दूसरे दिन सुबह खड़ा हुआ, भजन करने लगा। अब भगवान की पूरी तैयारी भी नहीं हुई और राधा नाम जैसे ही कानों पर पड़ा, जिस दिशा से राधा का नाम आ रहा था, मेरे प्यारे कृष्ण भगवान उस दिशा में भागते भागने घर से बाहर निकले। कौन राधा राधा बोल रहा है? देखा तो मोर राधा राधा नाम जपे जा रहा था। आज उस मोर को भी दर्शन भगवान के हुए हैं। आइए दोनों हाथ से ताली बजाते हैं। राधे राधे आप भी तो गाइए, राधे 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 राधे। देखो जगन्नाथपुरी की आवाज मेरे पास तक आ रही है। राधे 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जगद्गुरु भगवान को प्रणाम करता हुआ हम राधे बोलते हैं ना, भगवान पसंद करते हैं। और जब राधे राधे का जाप संतों के जगतगुरु जी के सानिध्य में करते हैं तो और वो मजबूत बन जाता है, अधिकृत बन जाता है संतों के सानिध्य में। इसीलिए जगतगुरु भगवान का स्वागत करता हुआ अपने इस सभा में गोपियों का शुद्ध भाव, मोर ने पहले कोशिश की कृष्ण कृष्ण का जाप करके मैं भगवान के दर्शन कर लूं, लेकिन जब राधे राधे का जाप मोर करता है तब जाके भगवान का भगवान खींचे चले आते हैं राधा नाम से। क्यों राधा नाम में इतना रस प्यारे भगवान को है? क्यों इतना रस? क्योंकि अपने आप को राधा ने ऐसे बनाया है। राधा का प्रेम निष्काम है, राधा का प्रेम निष्कलंक है, राधा निर्दोष है, राधा सरल है, राधा सहज है, राधा पूर्ण है।
राधा के हृदय में भगवान कृष्ण प्रेम के अलावा, कृष्ण के प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ जगह ही राधा ने संसार की बातों के लिए छोड़ी नहीं है। जब प्यारे भगवान कृष्ण मथुरा के लिए निकले थे, गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे थे, ऐसे तैसे माँ यशोदा को समझ दी, नंद बाबा को समझाया है। फिर एक एक बात पर माँ यशोदा तैयार हो गई थी कि कृष्ण आप जा रहे हो जाइए, पर नंद बाबा आपके साथ आएंगे। माँ बाबा की कौन जरूरत है? तब माँ ने कहा, बेटा मुझे पता है तुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन इस माँ को तेरी जरूरत है। अरे कृष्ण, इस यशोदा की तो जरूरत ही कृष्ण है। तो जब तेरा कार्य पूरा हो जाएगा कृष्ण, तो नंद बाबा को इसलिए भेज रही हो कि फिर नंद बाबा मेरे कृष्ण को, मेरे कान्हा को, मेरे कन्हैया को वापस मेरे पास ले आएंगे। बाबा को कहती है मां जाइए, और जैसे मेरे कृष्ण का कार्य पूरा हो जाए मेरे कृष्ण को मेरे पास वापस ले आना, मैं अपने कृष्ण के बगैर जी नहीं सकती। ऐसे वैसे मां को समझाते हैं भगवान, बाबा को समझाते हैं, और वहां से जैसे निकले हैं गोपियों ने रोकने की कोशिश की। अक्रूर जी को कहा, आप तो अक्रूर नहीं हो, आप तो क्रूर हो, जो हमसे हमारे कृष्ण को दूर कर रहे हैं, ले जाने आए हो अक्रूर। भगवान जब बात नहीं मान रहे तो गोपियां रथ के आगे सो जाती है। हे कृष्ण, अगर जाना ही है तो जाइए, ये रथ हमारे शरीर के ऊपर से चलेगा। अरे भगवान, आज हमसे अलग होकर, हमसे दूर होकर, हमें छोड़कर आज जाना ही था। अरे भगवान, आज मारना ही था तो बचाया ही क्यों? क्यों इंद्र के कोप से बचाया? क्यों हमारी रक्षा की? मरने दिया होता, लेकिन तब बचाया और आज मार रहे हो अलग होकर। गोपियों की भी बात भगवान नहीं मान रहे। जो सहचरी जी थी राधा रानी के पास गए, राधा रानी को प्रार्थना करने लगे, राधा तेरी बात तो कृष्ण टालते नहीं है, कृष्ण तेरी बात जरूर मानेंगे। राधा को आग्रह किया और राधा भगवान को मनाने के लिए वहां जाती है। भगवान मिलते हैं महारानी को, राधा जी को। तो भगवान ने कहा, राधा मुझे जाना होगा, मुझे अपने कार्यों से जाना है। राधा कुछ बोल नहीं पा रही, बस आंसुओं की धाराएं बह रही थी, क्योंकि ये तो वो राधा थी कि जन्म धारण करने के बाद भी आंख नहीं खोली थी, जब तक भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे। क्योंकि जब आप आंख खुलेगी तो मैंने पहले तो अपने कृष्ण के दर्शन करने हैं, ये वो राधा है। भगवान कहने लगे, राधा एक बात कहूं? बोले, कहिए। तो भगवान कृष्ण कहते, राधा मुझे भूल जा, मुझे भूल जा। राधा का तो हृदय टूट गया। राधा कहती है, बोलिए भगवान आप क्या कहे? तो कृष्ण ने कहा, राधा मुझे भूल जा। राधा जी कहती है, ठीक है मैं आपको भूल जाऊंगी, लेकिन मुझे उसके बदले में एक वरदान दो। मैं भूल जाऊंगी भगवान,
बिल्कुल भूल जाऊंगी, लेकिन मुझे उसके बदले में एक वरदान तो दो। भगवान सोचने लगे, चलो जान छूटी, ये भूल जाने के लिए तैयार है। बोले, बोलो आपको क्या वरदान चाहिए? तो राधा जी कहती है, भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं वापस जन्म धारण करूं, मुझे वापस जन्म धारण करना है, वापस मैं जन्म धारण करूं, वापस आऊं इस धरा पर। और वरदान ऐसा दो कि मैं तो आऊंगी ही, हे कृष्ण आपको भी वापस मेरे साथ आना पड़ेगा, मैं भी जन्म धारण करूं इस धरा पर और कृष्ण आप भी जन्म धारण करें, मुझे वरदान दीजिए। कृष्ण ने कहा, चलो मैं वरदान देता हूं। राधा कहने लगी, रुकिए, मैं भी वापस आऊंगी, आपने भी वापस आना है, वरदान दे दो। और वरदान में ये भी दे दो भगवान कि मैं भी वापस आऊंगी, आपने भी वापस आना है, लेकिन जब हम दोनों जन्म धारण करेंगे ना, तो मैं कृष्ण बनूंगी, आप राधा बनना, आप राधा बनना कृष्ण, मैं कृष्ण बनूंगी, राधा बनकर आप कृष्ण पर प्रेम करना, आप राधा तो बनिएगा, राधा बनकर उस शुद्ध भाव से अपने कृष्ण के ऊपर प्रेम करना, और एक दिन आकर मैं आपको कहूंगी कि मुझे भूल जाओ, फिर एक दिन मैं आकर आपको कहूंगी भगवान कि मुझे भूल जाओ, तब पता चलेगा कि आज मेरे पर जो बीती है, आज मेरा जो हृदय टूट रहा है, मेरा जो हृदय रो रहा है ना भगवान, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, भगवान घायल की गति तो घायल जानता है, सुली ऊपर सेज हमारी। अरे भगवान, हम कितना घायल हुए हैं आपके इन शब्दों से, आपके दूर जाने से, ये तो ये राधा ही जानती है, और इस राधा के दर्द को समझने के लिए हे प्यारे कृष्ण आपको राधा बनना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि राधा का भाव क्या है, राधा के लिए कृष्ण का बिछुड़ना, कृष्ण से दूर जाना कितना कठिन है, उसका दर्द कितना गहरा है, ये तो राधा बनने के बाद पता चलेगा। भगवान समझाते हैं राधा को, भगवान को भी पता था कि राधा के लिए कृष्ण अनमोल है, हम तो बस उस भाव को प्रकट कर रहे थे कि राधा भगवान की बन चुकी थी, भगवान के लिए जी रही थी, और रोम रोम से नाम का जाप चलता था राधा के, कृष्ण कृष्ण नाम का वो जप करती थी, वो राधा पवित्र नाम है। ऐसे वैसे भगवान ने राधा जी को समझाया है, और भगवान वहां से गोकुल निकल जाते हैं। उसके बाद राधा जी ने न तो श्रृंगार किया है, क्योंकि राधा जी बहुत श्रृंगार करती थी, किसी ने कहा क्यों राधा आप तो बहुत श्रृंगार करती थी, अब श्रृंगार क्यों नहीं कर रही हो? तो राधा जी ने कहा, मैं श्रृंगार तो अपने कृष्ण के लिए करती थी, अब क्या करे श्रृंगार करके, जिसके लिए मैं श्रृंगार करती थी वो तो मुझे छोड़कर चला गया है, अब श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है, श्रृंगार करना भी राधा जी ने छोड़ दिया। ये राधा का भाव था, ये राधा रस से भरा हुआ पूरा चरित्र है, इसमें प्रेम है, करुणा है, त्याग है, इन गोपियों का चरित्र बहुत विशेष बन जाता है, क्योंकि ये सब कुछ कृष्ण के ऊपर वारी कर देना चाहती है। वारी शब्द का अर्थ है कि सौंप देना, संपूर्णतः अपने आप को समर्पित कर देना, और किसी भी अपेक्षाओं के बगैर समर्पित हो जाना भगवान के लिए, भगवान के ऊपर
तो ये भाव गोपियों का राधा का रहा है। तो जैसे पहले वर्णन आया है जयती शब्द का, तो ये गोपियां जयती शब्द का उच्चारण करती है और कहना चाह रही है कि हे भगवान, हम विरह में रो रहे हैं, इसलिए हमें हारे थके न मानना। हम जो रो रहे हैं, हमारे आंखों में जो प्रेमाश्रु निकल रहे हैं प्रिय भगवान, तो हमें हारे, हम हार चुके हैं, ये हार के आंसू नहीं है। या तो हम आपको ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, तो ये थकान के भी आंसू नहीं है। भगवान, प्रेम के क्षेत्र में हम विजयी भक्त हैं। ये जो प्रेम का क्षेत्र है, हम उसमें विजयी भक्त है। हे प्यारे भगवान, आखिर में विजय तो हमारी ही होने वाली है, इसलिए जयति शब्द का प्रयोग गोपी यहां पर करती है। जो सारे संसार को सूत्रबद्ध करने का सामर्थ्य रखता है, उसको माता यहां उखल को बांध देती है गोकुल में। अरे भगवान, ये गोकुल की जय जयकार नहीं है तो क्या है कि यहां जो माता यशोदा आपको उखल को बांध देती है, ये जय जयकार ही है। इसलिए वो जयती शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी जय जयकार की बात करती है और गोकुल के जय जयकार की बात करती है कि ये गोकुल ही, गोकुल की तो जय जयकार है कि आप यहां गोकुल में आकर मां यशोदा आपको बांध देती है। मां यशोदा आपको आंखों से डराती भी है और आप डरते भी हो। आपके पीछे लकड़ी लेकर मां यशोदा दौड़ती है और आप आगे आगे दौड़ते भी हो। तब भय भी स्वयं जिनसे भयभीत होता है भगवान माता, ये भगवान ऐसे भगवान माता यशोदा की आंख से डरते हैं। भय भी जिसे भयभीत है वो माता यशोदा से डरता है। ये अधिकार मां यशोदा जो गोकुल में थी उसको देते हैं। भगवान, ये गोकुल की जय जयकार ही तो है जो आप यहां के यशोदा के सूचना का पालन करते हो, उससे डरते हो। भगवान, यही तो ब्रज की जय जयकार है, यही इसी से तो ब्रज की जय जयकार होती है। और मीराबाई के शब्दों में अगर मैं कहूं तो मीराबाई जी वर्णन करती है गोकुल का, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन वापस मत जाओ। बोले मैंने तो जाना पड़ेगा। तो बोले जहां कृष्ण
वह हम। आपके बगैर तो ये वैकुंठ फीका है, और आप अगर गोकुल में हो भगवान तो यह हमारा कौन काम है। वृंदावन की भूमि पवित्र है, आपका यह प्राकट्य है, इसीलिए निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहत जमुना में, योजन दूध दही तो लागे वृंदावन से ताले बजाते हुए। Love you, dream.
कन्हैयालाल की जय वृंदावन धाम की जय लागे वृंदावन नी को माने लागे वृंदावन नी को गोकुल की महिमा सारी गोपियां इसमें प्रकट करती है कि गोकुल की भी जय जय गोकुल का भी जय जयकार हुआ और भगवान गोकुल माने हमारा सबका जय जयकार हुआ और जो जो भक्त है भगवान से जो भी जाकर मिलते हैं हमेशा उनकी जय जयकार ही होती है। अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमने इस पर चर्चा करने की कोशिश की, इसलिए जयति शब्द का उच्चारण करते हुए भगवान की महिमा को ये गोपिया वर्णन कर रही है। जो कठपुतली की तरह सब जगत को नचाते हैं वो जगतपति वो जगदीश यहां पर सामान्य बनकर यशोदानंदन बनकर यहां पर लीला कर रहे हैं। और आपने कथा सुनी है कि जो ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, जो ये छोहरिया थी जो ये गोपिया थी वो थोड़े से छाछ के लिए भगवान को नचाती थी। और विशेषता ये है कि भगवान नाचते भी थे। अब मुझे बताओ 900,000 गौ माता जिस भगवान कृष्ण के घर पर थी नंद बाबा के घर, वह छाछ कितनी रही होगी, वह दूध कितना होगा। तो छाछ मांगने के लिए गोपियों के वहां भगवान क्यों जाते हैं। भगवान को पता है जब मैं छाछ मांगने जाऊंगी तो गोपियां मुझे कहेगी कि हे लाले कृष्ण ए लाला बहुत नाम थे हरि तारा नाम 6,000 कया नाम है लखवी कंकोतरी, कि भगवान के 1,000 नाम है जिस जो नाम प्रिय लगता था गोपिया कहती थी भगवान को कहती थी हे कृष्ण कन्हैया छाछ चाहिए ना। कृष्ण कहते थे हाँ चाहिए, फिर थोड़ा नाच के दिखाओ तो छाछ देंगे। और मेरे भगवान भी जैसे गोपिया ने कहा कि नाचो तो मेरे भगवान नाचते थे। और जैसे भगवान नाचने नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम, जब नृत्य करते हैं तो मेरे भगवान मधुर नृत्य करते हैं। और उस मधुर नृत्य को देखते हुए गोपिया हंसती थी आनंद मनाती थी। और आपको बताए मेरे भगवान छाछ के लिए नहीं जाते थे, भगवान को पता था ये कहेगी नाचो मैं नाचूंगा और मुझे नाचते देख मेरी गोपियां खुश हो जाएगी आनंद मनाएगी। वो छाछ के लिए नहीं, वो तो आनंद कराने के लिए गोपियों के घर जाया करते थे भगवान कृष्ण, कि मेरी गोपियों को मैं आनंद कराऊं, मैं नाचूं, मैं कीर्तन करूं, मैं वो सब कुछ करूं उन गोपियों के लिए जो गोपियां चाहती है। मैं आया हूं इनको आनंद देने, क्यों, क्योंकि ये जी ही तो मेरे लिए रही है, इनका हर एक श्वास भी तो मेरे लिए चल रहा है। जब उद्धव जी गए थे, उद्धव आए थे मिलने और जब वापस जाने निकले तो उद्धव जी कहते हैं क्या संदेश दूं आपका कृष्ण को, तो राधा गोपियों ने कहा था बस हमारे कृष्ण को एक संदेश देना कि राधा गोपिया जीवित है। बस वैसे ही जब उद्धव जी जाते हैं भगवान पूछते हैं आपने क्या संदेश लाया, क्या कह रही थी गोपिया, नम आंखों से महाराज उद्धव कह रहे हैं कृष्ण को कि राधिका जीवित है। कृष्ण पूछने लगे जीवित है मतलब, बस भगवान श्वास चल रही है वो जीवित है। बस
क्योंकि उद्धव जी अपने आंखों से उनके भाव को देखते हैं, ज्ञान फीका हो चुका है। इन अनुभवी गोपियों के सामने भक्ति रस से परिपूर्ण जो गोपियां थी, उन गोपियों का जो भाव देखा कृष्ण के प्रति, क्यों मन लगा बैठे हो भगवान में, क्यों कृष्ण कृष्ण आप कही जा रही हो, रोकना चाहते थे उद्धव जी, लेकिन गोपियों ने कहा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना, तुझे अपना, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, अब पर्दा हटा बैठे, अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रेमी भक्त परिणामों की चिंता नहीं करते, प्रेमी भक्त नुकसान की चिंता नहीं करते, वो तो प्रेम किए जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जिसको लगन लग चुकी है भगवान के साथ, वो परिणामों की चिंता नहीं करते बैठते। मीराबाई कृष्ण कृष्ण कहे जा रही थी, राणा जी ने विष का जहर का प्याला भेजा है, पीवत मेरा हासी रे। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची